झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद झारखंड में पुनः एक बार हेमंत की सरकार बनी है और हेमंत सरकार में कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिला है। आज हम उन्हीं 4 मंत्रियों की बात करेंगे। नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। कांग्रेस के सिपाहियों में सबसे युवा मंत्री बनी है शिल्पी नेहा तिर्की। सीएम हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कांग्रेस के 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें मांडर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, हेमंत सोरेन की नेहा तिर्की भी कांग्रेस के कोटे में मंत्री बनी है। शिल्पी नेहा तिर्की ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सनी टोपो को हराकर लगातार 2री बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की पर विश्वास जताया और उन्हें चुनाव पर उतारा था। शिल्पी ने बीजेपी के सनी टोपो को 22,803 वोट से हराया था। शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से विधायक बने थे, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें कोर्ट से 3 साल की सजा मिली और फिर तिर्की को यह सीट छोड़नी पड़ी। 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के टिकट से शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत गई और वह युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। सभी युवा उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दीपिका पांडे सिंह। वह लगातार 2री बार मंत्री बनी है। हेमंत सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर से विधायक बन मंत्री बन गई है। उन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पद और गोपनीयता की सदस्यता दिलवाई है। दीपिका पांडे सिंह इससे पहले भी सरकार में मंत्री रही थी। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग और आपदा विभाग का जिम्मा संभाला था। इस चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज कर दीपिका विधानसभा पहुंची। दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक भगत को हराकर यह सीट कांग्रेस के झोली में डाली है। दीपिका ने लगातार 2 बार महागामा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी की है। दीपिका के राजनीतिक की बड़ी विरासत भी है। उनकी मां लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ी रही तो उनके ससुर अवध बिहारी सिंह 3 बार महागामा के विधायक रहे और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी बने। दीपिका ने इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अशोक भगत को 18,645 वोटों से मात दी है। दीपिका को कुल 1,14,069 वोट मिले तो वहीं भाजपा के अशोक भगत को मात्र 95,424 वोट मिले। वहीं हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे कांग्रेस के मंत्री बनाए गए विधायक राधा कृष्ण किशोर का। वह एक राधा कृष्ण किशोर जो हैं, जो हेमंत सरकार में कांग्रेस के कोटे से 3रा मंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन के पलामू परमंडल के छतरपुर क्षेत्र से विधायक राधा कृष्ण किशोर हैं। उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर 2024 के विधानसभा में बीजेपी के देवी से कड़ी टक्कर मिली थी, मुश्किल मुकाबले में फंस गए थे। राधा कृष्ण किशोर मात्र 700 कुछ वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। उनके लिए राधा कृष्ण किशोर के लिए आरजेडी ने मुकाबला कठिन बना दिया था। किशोर ने ऐसे तो कई पार्टियों में शामिल हुए हैं। 2014 में उन्हें बीजेपी के टिकट मिला और वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आजसू पार्टी का दामन थामा और आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर जीत साथ नहीं लगी। इसके बाद वह फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार भी फिर वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें
फिर से टिकट दिया और वह जीतकर मंत्री बने। लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है कि बार बार पार्टी चेंज करने वाले राधा कृष्ण किशोर को मंत्री पद कैसे मिल गया। वहीं बताते चले कि कुछ सूत्रों का कहना है कि इनके मंत्री बनाए जाने से कांग्रेस के कई नेता नाराज भी चल रहे हैं। वहीं चौथे मंत्री की बात करें तो जिन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है वह जामताड़ा के विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। वह कांग्रेस के कोटे से एक बार फिर से हेमंत सरकार की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। जुलाई में हेमंत सोरेन ने दोबारा झारखंड की संभाली थी तो इरफान अंसारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार में डॉक्टर इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। वह जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक इस पद पर रहे थे। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे डॉक्टर इरफान अंसारी। सूबे के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के कद्दावर उम्मीदवार सीता सोरेन को पराजित किया था। वर्तमान में वह हज कमेटी के चेयरमैन भी है। अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2023 तक जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने MBBS MD डिग्री भी हासिल की है। वह लगातार विधानसभा में बोलते हुए नजर आते हैं। अब झारखंड के ये कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन लोगों को मंत्री बनाकर हेमंत सरकार ने अच्छा किया है या नहीं? आप अपना मंतव्य हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।